राजनीति से रोजगार तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, आपके साथ सच की बात परमार्थ आवास पर। आज़ादी के शुभ अवसर पर धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। आपको बता दें, बाराबंकी 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदरसा जामिया वारसिया बिस्मा उलूम मिर्चिया व प्राथमिक विद्यालय तथा पंचायत भवन में ध्वजारोहण कर बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। इस अवसर पर मदरसा प्रबंधक डॉक्टर खलील सिद्दीकी के द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम में राष्ट्रीय झंडा फहराकर सलामी दी, तो वहीं मदरसा प्रधानाध्यापक ने देश को आज़ादी हासिल करने में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महापुरुषों तथा अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उन्होंने हिंदुस्तान को विविधताओं वाला देश बताते हुए कहा कि विभिन्न धर्म जाति वर्ग बोली वेशभूषा आदि के बावजूद हमारा देश एकता अखंडता का मिसाल है। और उन्होंने कहा कि हम सबको प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और हमें मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, किसी को जानबूझकर अपमानित नहीं करना चाहिए, जिससे हम सब शहीदों के बलिदान एवं उनकी वीर गाथा के बारे में जानें। और शहीदों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि ना भुलाने का संदेश दिया। तो वहीं ग्राम प्रधान राजेंद्र ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस के महान पावन पर्व पर भारत भूमि के अमर बलिदानी एवं शहीदों के इतिहास को बताते हुए समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी। आपको बताते चले, तिरंगे को लेकर प्रभात फेरी कर रहे छात्र छात्राओं में काफ़ी जोश दिखा। सभी छात्र छात्राएं देशभक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। इस अवसर पर मदरसा कमेटी प्रबंधक डॉक्टर खलील सिद्दीकी, अध्यक्ष हाजी इकरार खान, सदस्य बाबू पूर्व प्रधान रमजान अली, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद हयात, क्रम शेख खां, मोहम्मद शरीफ तथा अध्यापक व क्षेत्रवासी मोहम्मद सलमान सिद्दीकी, वारिस अली प्रधान असंदुरा, ग्राम प्रधान राजेंद्र, सचिन गुप्ता, राजू मलिक सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।